ले जनाब वेरिएबल्स मैंने आपको पढ़ाए मैंने आपको एक्सप्रेशन पढ़ाए मैंने क्वेश्चन बढ़ाई इन एक्वालिटीज़ बढ़ाई इन एल्जब्रा अब आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से उनको आप रिजॉल्व करते हैं बहुत आसान है बहुत ही आसान है वी विल सी नाउ कि हाउ टू रिजॉल्व और un कैसे करते हैं द मिस्ट्रीज ऑफ वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशन इन एल्जब्रा वेरिएबल्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है रीज़न क्या है आपके वेरिएबल्स जो हैं क्योंकि सारी बात है अल्जबरा होता ही तब है जब आपके पास डिफरेंट किस्म के सिम्बल्स आ जाए जिनकी वैल्यूज अन नॉन हो एंड टू एक्चुअली मेक आउट समथिंग फ्रॉम एन अनोन फैक्टर अलजबरा का लफ्स भी अल्जबर से निकला यानी कि ब्रोकन पीसीस से किसी चीज को जोड़ के फाइनल बनाना सो so ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया अब यहां पे देखते हैं कि वेरिएबल्स आर सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट्स अननोन वैल्यूज दे आर यूज्ड टू होल्ड अ वैल्यू दैट कैन चेंज और वेरी यानी कि वेरी एबल ऐसी वैल्यू जो वेरी एबल हो यानी कि जो चेंज हो सके बढ़ सके या कम हो सके इन अलजबरा वेरिएबल्स आर ऑफन बाय लेक्चर एक्स वाई और जी अक्सर औकात आपने सुना होगा बचपन में भी कि आपके टीचर आपको बोल देते थे कि लेट्स सपोज एक्स इज इक्वल टू दिस लेट्स सपोज वाई इज इक्वल टू दिस जी इज इक्वल टू दिस ये क्या चीज़ें हैं और यार ये वेरिएबल्स हैं ये वो सिम्बल्स हैं जो हमेशा हमारा सर खाते आए हैं आई नो आई कैन टोटली गेट इट आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये हमें तंग करते आए आई कैन लिटरली से दैट लेकिन तंग क्यों करते थे क्योंकि हमें पता नहीं था इनका इस्तेमाल कहाँ पे है कहते हैं ना मैथमेटिक्स तब तक अच्छी थी जब तक हमारे पास नंबर्स थे सिर्फ जैसे उसमें इंग्लिश घुसाई ना तब मैथमेटिक्स की समझ आनी बंद हो गई लेकिन मैं आपको बताता हूँ अगर आपने बेसिक से अच्छे तरीके से सीखा हो, तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स नहीं होती सो so, वेरिएबल्स जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जी के साथ करते हैं फॉर एग्जाम्पल एक मैं मिसाल देता हूं मैं कल परसों से बार बार आपको एक ही बात समझा रहा हूं कि जब भी हम एक्सप्रेशन लिखते हैं एक्स प्लस फाइव एक्स इसमें वेरिएबल है ठीक है तो एक्स हमारे पास अगर वेरिएबल है तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं लेट्स सी एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज द मैथमेटिकल फ्रेज दैट कैन कंटेन ऑर्डनरी नंबर वेरिएबल एंड ऑपरेटर जिसके अंदर हमारे पास थ्री एक्स प्लस सेवन टू वा प्लस टू वाई माइनस सेवन ये एक अलजैबरिक एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन या अलजैबरिक एक्सप्रेशन सेम चीज़ है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब जिसमें अल्जबरा यूज हो उसको हम अलजैबरिक एक्सप्रेशन बोलते हैं अगर उसमें अल्जबरा यानी कि एक्स वाई जी ना यूज हो तो उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं यानी कि थ्री प्लस टू प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन ये एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन का मतलब होता है वह एक सेंटेंस जिसके अंदर अंदर ऑपरेटर्स और डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स जैसे इंग्लिश के अंदर जो मैथ की हैं, बिल्डिंग यूज कैसे करेंगे हम दोनों को हम प्लस कर लेंगे सिंपली टू एक्स प्लस टू फाइव एक्स इट्स वेरी सिंपल तो सिंप्लीफाई करना एक्सप्रेशन को आपका काम होता है देन हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं इक्वेशन को सिम्पलीफाई करने के और रिजोल्व करने के ये तो एक्सप्रेशन थे हमारे पास इनको तो रिजोल्व कर लिया लेकिन जैसे हमारे पास एक्सप्रेशन जो हैं वो दो इक्वल एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाए उसको हम बोलते हैं इक्वेशन तो अब वन स्टेप इक्वेशन होती है एक टू स्टेप होती है एक मल्टी स्टेप होती है तो वन स्टेप इक्वेशन क्या होती है एनअल्जेब्रिक इक्वेशन दैट कैन बी सॉल्व इन वन स्टेप एक ही स्टेप के अंदर जो रिजॉल्व हो जाए जिसके अंदर एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू टेन मैं अब इसको आपको वाइट बोर्ड पर समझाता हूँ कि किस तरीके से ये मैटर करता है जब भी हम अल्जैब्रिक एक्सप्रेशन को रिजॉल्व कर रहे होते हैं और वन स्टेप अल्जैब्रिक इक्वेशन क्या होती हैं टू स्टेप क्या होती हैं मल्टी स्टेप क्या होती हैं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए और आप इसमें कभी भी परेशान ना हो तो परेशान अभी भी नहीं होना अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से इनकी समझ आने वाली है लेट्स सी तो सॉल्व इक्वेशन करने के लिए सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है टू एक्स प्लस थ्री एक्स ये एक्सप्रेशन है अगर मैं इसको सिंपलीफाई करना चाहूं तो मैं सिंपली इसको बोल दूंगा ये फाइव एक्स है ठीक है तो ये तो हो गया हमारे पास एक्सप्रेशन को रिजोल्व करना अब जब हमारे पास इक्वेशन आ जाती है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू फिफ्टीन यहां से x फाइंड आउट करना है आपने सिंपल तो उसके लिए आप क्या करेंगे x इज इक्वल टू फिफ्टीन माइनस टेन तो हमने क्या किया दोनों साइडों पे माइनस टेन कर दिया ठीक है यानी कि माइनस टेन और माइनस टेन जब दोनों पे किया यहां से माइनस टेन और माइनस टेन ये हमारे पास जो है वो जीरो हो गया तो यहां पे एक्स आ गया हमारे पास फिफ्टीन माइनस टेन इज इक्वल टू फाइव तो x जब हमारे पास टोटली देखे ही साथ ही हमारे पास एक ही स्टेप में ये जो एक स्टेप हमने माइनस टेन और माइनस टेन दोनों साइडों पे किया उससे हमारे पास फाइव आ गया दैट दिस इज वन स्टेप इक्वेशन जिसके अंदर एक ही स्टेप इन्वॉल्व था मैथमेटिकल uh, इक्वेशन को यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशनल इक्वेशन को रिजॉल्व करने का टू स्टेप इक्वेशन क्या होंगी जिसमें हमारे पास दो स्टेप चाहिए होंगे फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे मैं लिखूं एक एक मिसाल आपको दिखा देता हूं जो हम रिजॉल्व करने वाले हैं और इस मिसाल को मैं बेसिकली आपको यहीं पे पहले दिखा देता हूं फिर इसको रिजॉल्व करते हैं ये टू स्टेप इक्वेशन है रिक्वायर्ड टू स्टेप्स टू सॉल्व क्या होता है कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशन होते हैं फॉर एग्जाम्पल टू एक्स प्लस थ्री इज इक्ल टू सेवन वो कहता है कि पहले सब्ट्रैक्ट करो थ्री दोनों साइडों पे, फिर टू एक्स बाय फोर को रिजॉल्व करना है। मैं ऊपर वाली इक्वेशन ही ले आता हूं एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू फिफ्टीन जो था हमारे पास एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू फिफ्टीन ये थी हमारे पास क्या वन स्टेप इक्वेशन मैंने सिंपली इसके साथ यहां पे लगा दिया टू ठीक है तो ये मेरे पास डबल स्टेप इक्वेशन होगी कैसे अब मैं सबसे पहला स्टेप क्या करूंगा स्टेप वन इसके अंदर मैं करूंगा टू एक्स प्लस टेन माइनस टेन दोनों साइडों पे माइनस टेन कर दिया ठीक है अब अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा टू एक्स यहां पर आ गया हमारे पास और ये हमारे पास आ गया फाइव अब अगला स्टेप टू क्या होगा डिवाइड बाय टू करना है स्टेप हमारा क्या है डिवाइडेड बाय तो ये यहां से कट गया तो हमारे पास पीछे बचता है एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई टू अगर आप इसको फ्रैक्शन में रखना चाहते हैं इट्स गुड अगर आपने इसको डेसिमल में करना है तो आपको पता है टू पॉइंट फाइव आपके पास इसका आंसर है तो हमने दो स्टेप परफॉर्म किए पहले ये वाला फिर दूसरा यह वाला इसको बोलते हैं टू स्टेप इक्वेशन बहुत आसान है सॉरी आपके पास स्क्रीन ये वाली शेयर नहीं हो रही होगी नाउ यू कैन सी तो आपके पास कुछ इस तरीके से स्टेप वन मैंने किया टू एक्स प्लस टेन माइनस टेन ये हमारा स्टेप वन था फिफ्टीन माइनस टेन दूसरी साइड पे टू एक्स इज इक्वल टू फाइव मैंने किया तो सॉरी ये हमारे पास टू एक्स इज इक्ल टू फाइव हो गया मैंने टू बाई टू को यहां पे रिजोल्व कर दिया मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूं टू एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू फिफ्टीन मैंने पहले स्टेप में स्टेप वन जो है इसके अंदर किया टू एक्स प्लस टेन माइनस टेन इज इक्वल टू फिफ्टीन माइनस टेन तो ये दोनों आपको पता है कटना हो या वैसे इसमें से जीरो आ जाता है सो so बेसिकली हमारे पास बचा टू एक्स इज इक्वल टू फाइव तो दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा स्टेप टू टू एक्स बाय टू इज इक्वल टू फाइव बाई टू तो ये टू बाई टू कट गया तो हमारे पास x इज इक्वल टू फाइव बाई टू फ्रैक्शन में आ गया अगर आपने वैसे लिखना है तो टू बाई टू पॉइंट फाइव तो इस तरीके से हमारे पास आंसर जो है वो टू फ, आ, टू स्टेप इक्वेशन का इस तरीके से आ रहा है ठीक है तो ये हमारे पास स्टेप वन एंड स्टेप टू हमने परफॉर्म कर दिया ओके अब अगर आप चेक करें इसी तरीके से हमारे पास मल्टी स्टेप इक्वेशन होती हैं मल्टी स्टेप इक्वेशन में इन्वॉल्व सेवरल ऑपरेशन एक एक से ज्यादा दो या दो से ज्यादा तीन या तीन से ज्यादा जब स्टेप होते हैं उनकी बेस में उनके नाम बोले जाते हैं मल्टी स्टेप इक्वेशन को रिजोल्व करने का तरीकाकार क्या होता है फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक इक्वेशन है तो हमारे पास सॉल्व करना है हमने थ्री एक्स प्लस टू माइनस फोर इज इक्ल टू इलेवन पहले हम क्या करेंगे इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को चेक करेंगे यानी कि किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है थ्री एक्स प्लस सिक्स माइनस फोर देन कंबाइन लाइक टर्म्स एंड फाइनली आइसोलेटिंग द एक्स वेरिएबल तो मैं इसी को इस वेरिएबल को अगर आपके पास वाइट बोर्ड पर लिखूँ तो वी कैन रिजॉल्व दिस सम हाउ लाइक दिस हमारे पास मल्टी स्टेप इक्वेशन का यह क्वेश्चन है क्वेश्चन हमारे पास है थ्री इन टू एक्स प्लस टू और माइनस फोर इज इक्वल टू इलेवन तो सबसे पहले हम प्रेंथसिज को रिजोल्व करते हैं आपको पैमडास रूल का पता है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी तो ये आ जाएगा थ्री एक्स प्लस सिक्स माइनस फोर इज इक्वल टू इलेवन ठीक है तो ये हमने रिजोल्व कर दिया हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ गई तो हमारा पहला स्टेप हो गया परेंथसिज को रिजोल्व करना दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा थ्री एक्स और ये हमारे पास प्लस टू हो गया इज इक्वल टू इलेवन क्यों क्योंकि हमने यहां से ये वाला चीज रिजोल्व कर दी ठीक है सिक्स माइनस फोर हमारे पास क्या आ गया टू यहां तक समझ आ गई आपको कि नहीं आई होप फुली आगे होगी अच्छा फिर हमारे पास जो अगली चीज है हम स्टेप थ्री क्या करेंगे ये टू हो गया थ्री स्टेप हमारे पास क्या होगा थ्री एक्स प्लस टू माइनस टू दोनों साइडों पे हम माइनस टू कर देते हैं या मैं मैंने इसको ऐसे याद किया था ये प्लस टू है इधर आके ये माइनस टू आ जाएगा तो बेसिकली हमारे पास बचता है थ्री एक्स इज इक्वल टू नाइन ठीक है तो ये हमारे पास इक्वेशन बचती है एंड देन स्टेप फोर क्या होगा हम दोनों साइडों को थ्री से डिवाइड कर दें थ्री थ्री जर नाइन थ्री यहां से कट गया तो एक्स इज इक्वल टू थ्री तो हम मल्टीपल स्टेप्स करके इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो हमारा एक्स है उसकी वैल्यू हमारे पास है थ्री तो अगर आपके पास कुछ इस तरीके से कोई इक्वेशन आ जाए जिसका मल्टी स्टेप हो तो उसको रिजोल्व करने का ये बेसिक तरीका होता है इसी तरीके से हम इन इक्वैलिटीज को भी रिजोल्व कर सकते हैं फॉर एक्जाम्पल ग्राफिंग इन इक्वैलिटीज़ इन्वॉल्व शेडिंग अ रीजन ऑफ द नंबर लाइन और कोऑर्डिनेट प्लेन दैट रिप्रेजेंट्स ऑल द सॉल्यूशन इन द इक्वा फॉर एग्जांपल टू ग्राफ एक्स इज ग्रेटर दैन थ्री नंबर लाइन पुट एन ओपन सर्कल एट थ्री एंड शेड इट टू द राइट साइड इसका मतलब क्या होगा मैं भी आपको समझाता हूं हम इन इक्वालिटीज को भी हम लिख सकते हैं कंपाउंड इन इक्वालिटीज को भी लिख सकते हैं जो हमारे पास होती हैं कि कंपाउंड इन इक्वालिटी टू इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन फाइव मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन टू एंड लेस देन फाइव ये मैं आपको दोनों चीजें समझाता हूं अभी आपको समझ आ जाएगी राइट दिस तो ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक इस तरीके से एक ग्राफ है से फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ये है हमारा जीरो पॉइंट ये ऊपर को वाई है प्लस वाई ये माइनस वाई ये प्लस एक्स ये माइनस एक्स ठीक है तो अगर आपके पास कोई भी एक वैल्यू आ जाती है तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं अगर मैं बोलूं कि आपने एक्स के ऊपर ड्रॉ करना है ठीक है लेकिन ये दो से बड़ा हो यानी कि ये दो है एक दो, दो से बड़ी वाली वैल्यूज आपके आएंगी तो आपका रीजन ये वाला सेलेक्ट हो सकता है ठीक है इसी तरीके से अगर आपकी वैल्यू माइनस में है तो आपका रीजन ये वाला सेलेक्ट हो सकता है यानी कि कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज को ज्योमेट्री के अंदर लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास आता है एक्स इज ग्रेटर देन फाइव इसका मतलब यह है कि पांच से ऊपर जितने भी वैल्यूज हैं एक्स उनमें से एक है एक्स ऑलरेडी एक अन वेरिएबल है लेकिन यह पांच में जितने भी ऊपर वैल्यूज हैं पांच से ऊपर वो सभी हो सकती हैं इसकी ठीक है यानी कि पांच से ऊपर वाली वैल्यूज पांच नहीं इसके अंदर क्योंकि यहां पे ग्रेटर देन लिखा है कि पांच से बड़े अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू पांच लिखा होता हो, तो इसका मतलब पांच और पांच से बड़े नंबर इसके अंदर x के अंदर आ सकते हैं तो हमने ये नहीं कहा कि x अन है कुछ भी हो सकता है यहां पे ये भी बता दिया कि x इज एक्चुअली ग्रेटर देन एन इक्वल टू फाइव और ग्रेटर देन फाइव ठीक है अब मुझे कैसे पता कि ग्रेटर देन का साइन ये है अगर आप इस साइन को तीन हिस्सों में डिवाइड कर लें तीन नुक्तों में तो इस तरीके से आता है ये वाला साइन ठीक है अब आप गौर करें यहां पे मेरे पास लिखा है एक्स और यहां पे लिखा है पांच अगर मैं कहूं एक्स इज ग्रेटर देन फाइव तो जो दो नुक्ते एक्स की तरफ आएंगे इसी तरीके से अगर मैं पांच को ग्रेटर देन फ... किसी नंबर के बोलूंगा तो दो नुकते पांच की तरफ आएंगे लेकिन क्योंकि हमने इस तरीके से इसको ग्रेटर देन साइन को बनाया और इस तरीके से अगर मैं लिखूं कि पांच इज लेस देन थ्री तो मेरे पास जो एक नुकता है वो पांच की तरफ आ रहा है और जो दो नुकते हैं वो तीन की तरफ आ रहे हैं तो ये ग्रेटर देन और लेस देन या स्मॉलर देन को हम इस तरीके से शो कर सकते हैं ठीक है सो दिस वाज जस्ट ऑन द से कि आपके पास ये होनी चाहिए वैल्यू अब टू इज अगर मैं आपको एक और कंपाउंड इनिक्वालिटी दिखाऊं टू इज लेस देन एक्स एंड अब ये एंड आ गया एंड x is greater than no, not greater than and x is less than 5 तो आपके पास ये and की एक condition आ गई इसको बोलते हैं and operator और आपने अक्सर programming के अंदर ये सुनी होगी तो मैंने जब आपको बोला था कि mathematics जो है आधी से ज्यादा programming के अंदर भी use होती है that's the reason ये जो and है ये basically two conditions को जोड़ता है एंड के राइट right साइड वाली भी पूरी होना जरूरी है और लेफ्ट साइड वाली भी इसको हम इस तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर लिखते हैं कभी कभी डबल एंड के साथ कभी सिंगल एंड के साथ ये जो इस तरीके से हमारे पास नोटेशन होती है इसकी तो अब अगर देखें हमारे पास एक्स इज लेस देन टू एक्स इज सॉरी ग्रेटर देन टू यानी कि अगर मैं जीरो वन टू थ्री फोर और फाइव लिखूं तो मेरे पास जो x है वो दो से बड़ा है यानी दो के बाद आएगा एक्स यहां पे है ठीक है लेकिन अगर मैं एक्स लेस देन लिखूं तो ये पांच से पहले है यहां पे क्योंकि इन दोनों के साथ ये वाला साइन नहीं है तो मैं दो को हटा के उससे आगे स्टार्ट करूंगा यानी कि दो नहीं होगा इसमें इन्वॉल्व टू पॉइंट वन से ऑनवर्ड हो सकता है दो नहीं होगा अगर ये लेस देन इक्वल टू होता और यहां पर भी लेस देन इक्वल टू होता है और ये पाँच और ये भी दोनों आते हैं तो एक्स की वैल्यू या तो तीन है या चार है बेसिकली ठीक है तो आप इस तरीके से भी कंडीशनल ऑपरेटर्स को इनक्वालिटीज को आप यूज कर सकते हैं मैथ में कंडीशनल ऑपरेटर्स या इन एकवैलिटीज़ बोला जाता है इन्हें लेकिन हम जो हमारे पास पाइथन होता है उसके अंदर हम इन्हें कंडीशनल ऑपरेटर्स बोलते हैं होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम इनको रिजोल्व करते हैं इन को कैसे रिजोल्व करते हैं वन स्टेप इक्वेशन को किस तरीके सिंप्लीफाई सिंपलीफाई करते हैं टू स्टेप को मल्टी स्टेप को कैसे करते हैं अब हमारे पास जो अगली चीज़ आती है उसको हम देखते हैं